मुझे अपनी पहली ड्राइव याद है। सड़क पर जब गाड़ी लेकर निकली तो लगा जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ। लगा इससे ज़्यादा सुख कोई और है ही नहीं। इस ड्राइव पर गाड़ी ले जाने से पहले मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी, और जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब ये परफेक्ट है तो उन्होंने मुझे अकेले सड़क पर निकलने की इजाज़त दे दी। गूगल मैप तो है ही, मैं कहीं भी किसी भी रोड पर घूम सकती थी। आज़ादी पाकर बहुत खुश। आज के ज़माने में वापस अपने घर पहुंचना कोई उतना मुश्किल नहीं। मैं इसी तरह रोज़ अपनी गाड़ी से कहीं कहीं निकलती। मुझे उसे चलाने में बहुत मज़ा आता। फिर एक दिन नौकरी लग गई, गाड़ी चलाना मेरे लिए आम बात हो गई। सुबह से शाम और शाम से सुबह यूं ही गुजर रही थी। लेकिन एक दिन शाम का झुटपुटा ढलने पर जब मैं अपनी गाड़ी से घर जा रही थी तो जाने किस धुन में मैंने एक गलत मोड़ ले लिया। वो शाम आज भी मुझे नहीं भूलती। इस मोड़ पर कोई भी कार जाने वाली नहीं थी, बस आने वाली ही गाड़ियाँ, बसें, न जाने क्या क्या। मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में देख जैसे सारे हॉर्न एक साथ बज गए। मेरे दिमाग की सारी बत्तियाँ बुझ गईं। मैंने किसी तरह उन लोगों को रास्ता देने के लिए अपनी कार को एक और ही डायरेक्शन दे दी, और इस बार मेरी कार ऐसे रास्ते में थी जहाँ से न मैं आगे ही जा सकती थी न पीछे। मैंने दूसरों को तो रास्ता दे दिया पर मैं खुद रास्ता भूल गई थी। वो पल ऐसे थे जिन्हें याद करके आज भी मैं सिहर जाती हूँ। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरी कार पर नॉक किया। मुझे उसकी गहरी आंखों में देखकर ये विश्वास और एहसास हो गया कि वो मेरी मदद करना चाहता है। एक लंबा छरहरा लड़का, उसे देखकर एक बार भी मना करने को जी नहीं किया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं वो मेरी सीट पर यानी ड्राइवर की सीट पर था और मैं उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। जिस रास्ते में मेरी कार फंसी थी वो बहुत ही संकरा रास्ता था। मैं देख रही थी कि वो कार को बैक करने में जी जान लगा रहा है। जब वो मुझे देखता तो उसकी प्यारी सी स्माइल मुझे अंदर तक छू जाती। मैं देख रही थी उसके सुंदर माथे पर पसीने की बूंदें तैर रही थी। उसमें एक बहुत ही मेहनती लड़के की झलक मुझे दिख रही थी। मैं दम साध कर बैठ गई थी। मुझे लग रहा था उसके शरीर का एक एक हिस्सा मेरी मदद कर रहा है। बहुत मशक्कत के बाद शायद अब ऐसा लगा कि गाड़ी बैक हो जाएगी। वो चुप था, मैं भी चुप। बीच बीच में कभी आंख मिल जाती। कोशिशें सही रास्ते पर जा रही थी। मैंने देखा गाड़ी अब पीछे सही से जा रही है। मेरे चेहरे पर प्यार के, रिस्पेक्ट के भाव आ गए। गाड़ी अब पीछे ठीक से बाहर आ गई थी। वक्त के उस क्षण में हम अपरिचित होते हुए भी कहीं जुड़ गए थे। हमने अनजाने ही एक दूसरे को एक टाइट हग दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। उसने गाड़ी की चाबी मुझे दी और वो पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया।